अच्छा तुम ये काम भी करती हो, क्या कह रही हो? अच्छा तुम्हें दे दे मतलब चलाने के लिए। हाँ, तो नौकरी क्यों नहीं शुरू कर लेती आप इधर हॉन्ग आइलैंड में, इधर आइलैंड लोगों को घुमाइएगा। नाखे नाखे व्हाट नाखे सो अब बस हम नाखे बीच आ गए हैं और यहाँ पे सब लोग स्विमिंग करेंगे और अफसोस के साथ मैं और ईशा अपने साथ कपड़े नहीं लाए कि हम ये गंदे कर सके, तो हम तो स्विमिंग नहीं करेंगे, कश्ती में बैठे रहेंगे हम लोग। Hi everyone, welcome back to Arisha's YouTube channel. I hope you all are doing well. So guys, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग होटल से भाग भाग के जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठे हैं क्योंकि ये गाड़ी वाला जाने लगा था और आज हमें जाना है जेम्स बॉन्ड आइलैंड और नेशनल पार्क एक्सप्लोर करेंगे हम, जो कि है थाईलैंड में फुकेट में। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फुकेट में जहाँ पे हम 3 दिन मजीद स्टे करेंगे, 2 दिन, अब तो 1 दिन हो गया है, आज हमारा दूसरा दिन है, अभी 2 दिन और है, उसके बाद टाटा बाय बाय बैक टू कराची। सो आज हम जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड और हमें तैयार होने का भी टाइम नहीं मिला, इवन नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। हम लोग अभी उठे ही थे तो कॉल आ गई कि नीचे आपकी गाड़ी आ गई है, फौरन नीचे आ जाएं, वो वेट नहीं करेगा। हम भागते भागते नीचे आ गए, इतना अच्छा तैयार भी नहीं हुए, बस कपड़े अच्छे पहन दिए और बस आ गए और बस चीज़ें ही एक्सप्लोर करनी है। अब तैयार हो बंदा ना हो, हम तो चीज़ें देखने आए और घूमने आए, सो कोई बात नहीं, खैर है। सो अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब ये और लोगों को पिक करने गया है, अभी तक बस खाली है, सबसे पहले हमें पिक करने आ गया ये, हम तैयार भी नहीं थे। हमारे साथ ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, हमें आदत डल गई है। सो अब हम जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए और बाकी लोगों का भी इंतजार करेंगे, जब पूरी गाड़ी भर जाएगी तभी हमें ले जाएगा जेम्स बॉन्ड आइलैंड की तरफ, और आज भी हमारा बोट में ही सफर होगा। सो लेट्स सी, वेरी एक्साइटेड। सो गाइस, 1 घंटा सफर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं, कौन सी जगह है, अब यहाँ हम बैठेंगे बोट पे, फिर बोट जो है बोट हमें ले जाएगी जेम्स बॉन्ड आइलैंड। शकम अस्ता बड़ा सा बोट 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 टू जेम्स बॉन्ड। यस, नो वरी, वी हैव बोट टू जेम्स बॉन्ड। नो व्हेन, व्हाट टाइम? व्हाट टाइम? नहीं, व्हेन वी रेडी वी गो, नो वरी, टुडे वी गो विद द टॉय बोट। ओके, आई एम रेडी, लेट्स गो। वी हैव टू वेटिंग अनदर पीपल कमिंग। गो विद द प्राइवेट बोट इज बेटर। प्राइवेट बोट। ओह नो नो नो, नॉट राइट नाउ, जस्ट tell me. Yeah, likh diya mera number 7 na, number 7 for them. Yeah, so guys, ye sab log bhi waiting mein baithe hain aur ye log bhi bas boat ka intezar kar rahe hain aur Isha aur main bhi apni apni boat ka wait kar rahe hain, apni apni alag alag jayenge, alag alag topiyan humne li thi, maze ki baat hum leke nahi aate bhai, humse maza nahi aa jata yaar, 200 baat ki humne topiyan li thi hum dono ne, और 3 दफा तो बीच जा चुके हैं हम और तीनों दफा टोपियां पहनने भूल गए हैं, ऐसी टोपी ले गई थी, काटे अपनी टोपी चलकर। सो गाइस, फाइनली इट्स टाइम टू गो फॉर अ बोट राइड एंड देन वी विल एक्सप्लोर जेम्स बॉन्ड आइलैंड। सो गाइज, ये है हमारी कश्ती जो हमें ले जाएगी जेम्स बॉन्ड आइलैंड एंड वी आर रेडी टू गो फॉर द बोट। हाँ, सो गाइज, आज हम जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड और हॉन्ग आइलैंड और 2-3 और आइलैंड है, मुझे नाम नहीं पता, आज हम वहाँ जा रहे हैं, जाती रहूँगी तो नाम भी आप सबको बताती रहूँगी और नेशनल पार्क भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और जिस बोट में अभी हम बैठे हैं इसका सफर जो है 1 घंटे तक का है, 1 घंटे के बाद वो हमें वो दूर पहाड़ नजर आ रहा है, हाँ ये वाले, वहाँ पहुँचने तक हमें 1 घंटा लगेगा, वो ही आइलैंड्स हैं एक्चुअल में, तो वो 1 घंटा में वहाँ पहुँचने में लगेगा, फिर आधा घंटा हमें दूसरी बोट में लगेगा। तो आज का जो ब्लॉग है सिर्फ कश्तियों में होगा, कश्ती से उतरना नहीं है क्योंकि थाईलैंड आप आओगे तो यू विल ओनली गेट आइलैंड्स हियर, इधर आइलैंड्स ही मजे के हैं जहाँ पब्लिक आती है, घूमती है, फिरती है। सो लेट्स गो टुडे एंड हैव फन टुडे। सो ब्लॉग तो अभी शुरू हो गया है, ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप सब लोग जल्दी से फटाफट जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो आप लोग के लिए मैं और ब्लॉग बनाती रहूँ मजे मजे के और आप लोग इसी तरह मेरे ब्लॉग्स एंजॉय करते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ये वाला ब्लॉग एंजॉय करें, बहुत मज़ा आने वाला है आज, ये बहुत अच्छी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, आप देखें तो सही, आपका खुद का दिल करेगा कि काश हम भी यहाँ जाएँ। सो देखते हैं अभी।
On this boat we have these drinks free and we have tea free, we have cakes free, we have fruits for free for public, and for snacks you have to buy those snacks here. और अभी जो हम जाएंगे वो जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, वो वहाँ पे कोई आइलैंड है, मैं वहाँ जाना है और वहाँ पहुँचने तक भी हमें तकरीबन एक घंटा लगना है पूरा बनावर। उसके बाद माना आज के बाद हमें इस तरह की जो है ना छोटी बोट में जाएंगे हम, फिर वो जो आपको नज़र आ रही है वो रही छोटी सी बोट, तो उसमें भी हमें हाफ आवर लगेगा ही लगेगा, इसमें जो है 1 आवर लगेगा अभी हमें। सो ईशा जो है अपने व्लॉग एडिट कर रही है यहाँ पे बैठ के, कह रही है कि एक घंटा है मैं व्लॉग एडिट कर लूँ। वेरी नाइस, कीप डूइंग हार्ड वर्क। एंड बस आवाम बैठी हुई है, इतने भरपूर लोग आए हुए हैं ये देखो, एक तो सारे इधर 18 से 20 तमिल मर्द आए हैं, इतना बोल रहे हैं कि बोल के कानों में दर्द कर दिया है। ए अपुन तेरे को बोला था ना रे, अबे अपुन तो तेरे को बोला था ना रे, ऐसे बात करें वो भी चीख चीख के, इतना इरिटेटिंग लग रहा है। हम लोग पहले वहाँ बैठे थे फिर हम उठ के यहाँ पे आ गए। सो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अपने सफर की तरफ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कैनोइंग कष्ट लानी पड़ेगी। At Panak Island and we'll be rafting in this thing and then we will go under this cave and this looks very very amazing and this will be my first ever experience which I'm really really excited for, so let's see how the fun goes. Pakistan. Yeah, how you know? Zindabad. Yeah, Pakistan Zindabad. 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 Yeah. सही से बोलो वरना बोलो ही नहीं। सो हम जा रहे हैं अभी इसमें बैठकर, जैसे वो लोग बैठे हुए ना ये रहे, ये लोग अभी वहाँ केव से निकले तो हम भी अब जाएंगे अब राफ्टिंग के लिए। ये चलो, एक्साइटेड हो तुम या नहीं? तुम गई हो कभी इस तरह इसमें बैठ के इस गुफा में गई हो कभी? गई हो पहले कहाँ? क्यों नहीं बता सकते? ऐसी कौन सी गुफा है जिसको तुम छुपा रही हो और बता नहीं रही हो? झूठी कहीं की भाई, हम तो नहीं डूबने वाले या डुबकियाँ लगाने वाले क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है कि मैं गंदे करूँ, और ये मेरा बहुत ही अच्छा ड्रेस है, मैं इसको गंदा नहीं करना चाह रही। Give me your phone. No. Why? I'll take it. You be careful, right? Sit down. See you tomorrow. Yeah. Okay, bye. Bye bye. Okay guys, so finally हम लोग बैठ चुके हैं अपने इस क्रॉस पर और now we are going inside the cave. That part. Hi. So now we are going inside finally.
और ये बंदा हमारी बोट चला रहा है। क्या खूबसूरत चीज है यार, क्या खूबसूरत आइलैंड है। अंदर देखो क्या हॉरिबल कितना लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है किसी मूवी का सीन है। नहीं है मेरे को गाइस, अंदर बहुत अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ पर, और बहुत ही हॉरिबल है, बहुत ज्यादा उफ खतरनाक जगह है यहाँ तो, कोई इधर गिर जाए तो मिले ही नहीं। The water is too deep. The water too deep. Very deep. Yeah. देख ही नहीं रहा हूँ, देखो तो सही, तभी तो इन्होंने सर पे ये वो लगाई हुई है लाइटें, ताकि इनको नजर आए, हमें आए ना आए। कुछ नजर नहीं आ रहा, चमगादड़ है ऊपर। ओ माय गॉड यार, ये तो वही हॉरर फिल्म का कोई सीन लग रहा है ना। दीज आर द बैट, द बैट, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, यहाँ पे सारी ये चमगादड़ बैठे हैं। ओ माय गॉड यार, ये तोड़ भी रहे हैं। यार बहुत डर लग रहा है, ये सारे यहाँ पे, ये देखें दीवारों पे चमगादड़ चिपके हुए। उफ अल्लाह अकबर, इनसे देख के ही जान जा रही है। अंदर से घूम के वापस जा रहे हैं, और ये जो पानी है ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा गहरा पानी है यहाँ ना। कितना छोटा है यार, कितना नीचे है, हाथ भी लगा सकते हैं। लाई डाउन लाई डाउन, वो कह रहे हैं सर नीचे करो। ओए होए, क्या है यार, ओए होए, मुझे तो डर लग रहा है, इधर जगह कीड़ा वीड़ा, मुझे कोई चिपक गया। ओ माय गॉड, आर यू ओके, यू आर ओके, ओके यार, इसकी इसकी गर्दन बिल्कुल नीचे जाने वाली थी, लग गई इसमें। मेरा भी दम घुट रहा है यार, यकीन करो। और इसने कहा है आप लेट जाओ, आप ऊपर की तरफ बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बैठोगे तो आपके सर को ये आके लगेगा। अभी बेचारे इसके सर को आके लगा इतनी जोर से, बोर्ड लेट कर चला रहा है। अल्लाह, यहाँ पे अगर कोई कीड़ा वीड़ा मुझे चुएगा। ये तो बिल्कुल मुंह पे आ रहा है। उफ अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे निकाल यहाँ से, मेरे अल्लाह मुझे बचा। ये देखिए गाइस, पत्थर कैसे हैं यहाँ पर, यूं गिर रहे हैं नीचे। स्मेल बहुत है, ये क्या क्रोकोडाइल बैठे हैं क्या। सो दिस इज कॉल्ड आइसक्रीम रॉक इनसाइड दिस। ओ वाओ, हाउ दैट्स अ रॉक राइट, इट जस्ट लुक्स लाइक आइसक्रीम। यार ये देख करो, जेलीफिश रॉक, ये जेलीफिश की तरह नजर आ रही है, देख रही हो यार। और कैसे कैसे अंदर पत्थर बने हुए, ये देखो तो सही तुम। फाइनली बाहर जाने का रास्ता मिल गया, और थोड़ी सी डायमंड रॉक देखो ऊपर, दैट्स डायमंड रॉक, और वो डायमंड की तरह चमक रहा है यार, वो देखो, इट्स शाइनिंग। और बस हम बाहर आ गए, और थोड़ी सी हवा मिली है, सुकून मिला है। अंदर इतना ज्यादा हब्स था, और इतना ज़्यादा वो ड्रावना था, जिसकी कोई हद नहीं है। वो रही हमारी बोट, अब बस हम बोट की तरफ जा रहे हैं, फाइनली फाइनली फाइनली। बहुत मज़ा आया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केव था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी इस तरह अंदर किसी केव में जाऊँगी। इट वॉज सो मच फन। सो अंदर जो है बहुत भूत बंगला था, पता नहीं क्या था, इतना स्कैरी लग रहा था, और किसी हॉरर मूवी का हॉन्टेड सीन लग रहा था कि चमगादड़ दीवारों पे चिपके हुए। तो अभी हम जा रहे हैं बोट की तरफ, ये पनाक आइलैंड था, और अब हम जाएंगे दूसरी आइलैंड की तरफ, वो मैं आपको अपडेट करती हूँ कौन सा आइलैंड है, और वहाँ पर हम क्या एडवेंचर करते हैं। और एडवेंचरस जगह तो हर कहीं है, हम क्या एडवेंचर करते हैं वो हमारे ऊपर है। सो लेट्स सी, लेट्स गो टू द अदर आइलैंड्स एज़ वेल। सो गाइस, अरिशा ने मुझे बोला थोड़ा तुम भी बोलिया करो मेरे व्लॉग में, तो मैं सोचा कि मैं बोलती हूँ इसके व्लॉग में। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम अंदर केव्स होकर आए अभी। हम
बंदर केसी सो गया है अभी। और तुम्हारा कैमरा कितना अच्छा चलता है, मेरा नहीं चलता ऐसा, कर दो मेरी भी वाली सेटिंग कैमरे से होती है, कर लूंगी। वो भूल गई थी, मैंने नया फोन लिया है ना। पूरे टूर थाईलैंड टूर में एक बंदा अच्छा मिला जिसमें तस्वीर अच्छी ली है और इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लेता है, लोग भी लेते हैं दिखाते, कहते हैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर। हमने कहा बस ठीक है, अब तू ही खींचेगा भाई सारी तस्वीर। तो हाँ, अब अभी हम इस कैब में गए थे तो ये था ही नहीं, तो हम सो गाइज ये है हमारा अभी दूसरा आइलैंड, ये भी हमें बस इसकी गुफा में ही ले जाएगा। और इस आइलैंड का नाम है, व्हाट्स द आइलैंड नेम? हॉन्ग आइलैंड। एंड अब फिर हम इसमें बैठेंगे और यही राफ्टिंग करेंगे और वही गुफा के अंदर जाएंगे। यस वेल, यस यस वेल, हेलो वेल, वन बाय वन, वन बाय वन। अब मैं आगे बैठूंगी, अब मैं आगे बैठूंगी उधर। So let's go. ये है गाइज हमारा दूसरा आइलैंड, ये इसका नाम है हॉन्ग आइलैंड। और हम हॉन्ग आइलैंड के वही केव में जाएंगे अंदर, जो आपको नजर आ रहा होगा सारी ये जा रही हैं। डर लग रहा है मुझे, सन बर्न हो जाएगा, मैं काली हो जाऊंगी। अल्लाह साई मैं कारो न कन जाए, मैं घूमणो आना मैं कारी न थे। पर नहीं यार इसके देखो ये थोड़े से ये डिफरेंट है, हाँ आइसक्रीम कौन है, ये अंडा है या आइसक्रीम कौन है या फलाना। तो गाइस गुफा के अंदर जो है हम इस वक्त आ गए हैं और ये गुफा वो ही अंदर से ये डिफरेंट है, ये देखो इधर अंदर रोशनी है यार, वाओ। सो अब हम इधर आ गए हैं, सो अच्छा तुम ये काम भी करती हो, क्या कह रही हो? अच्छा तुम्हें दे दे मतलब चलाने के लिए, तो नौकरी क्यों नहीं शुरू कर लेती आप इधर हॉन्ग आइलैंड में, इधर आइलैंड लोगों को घुमाइएगा। अच्छा सो गाइस क्या हॉन्ग आइलैंड है यार ये, माय गॉड, ओ माय गुडनेस, दिस व्यू। सो गाइस ये रहे हम हॉन्ग आइलैंड में, अभी तक मौजूद हैं, ये हमारा दूसरा आइलैंड है। और देखिए मैं इस तरफ बैठी हूँ पैर रखकर और ईशा इस तरफ बैठी है पैर रखकर, और ये भाई जान हमारी बोट चला रहे हैं। और व्यू देखें आप, चेक करें, मेस्मराइजिंग व्यू है, लोग इस व्यू के लिए मरते हैं। सो गाइस दोबारा इस गुफा के अंदर जा रहे हैं जहाँ अंदर बहुत गर्मी है और ये वही उससे भी ज़्यादा डरावना है जो हम होकर आ गए थे, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये। सो गाइस ये रहे हम अभी तक बोट में हैं, अभी हॉन्ग आइलैंड से होकर आ गए हैं और अभी हमारा खाना बन रहा है, बिल्कुल हलाल खाना बन रहा है यहाँ पर। नूडल्स हैं, प्रॉन्स हैं, झींगे हैं, चिकन है, चावल है और ये सब्जियाँ तल रही है। भिंडी पचानी थी तब, एक्सक्यूज मी, भिंडी 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 जो बोनी दो थी पचान, भिंडी बसरन वाली रहा दिल, नो वॉट इज दिस देन वॉट सो यहाँ पे औरत बेचारी हमारे लिए मेहनत करते हुए यहाँ पे देखें इसने खड़े खड़े यहाँ पे ये सब कुछ बनाया है और कितना मजेदार और फ्रेश बनाया है। प्रॉन्स, अनियन 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 फ्राइड एंड दिस इज चिकन, चिकन हलाल चिकन, ओके एंड दिस राइस एंड व्हाट्स दिस कॉल, शमंदरा चिकन शास्ते ऑल फूड इज हलाल राइट एंड वी विल गेट ऑल द फूड 50% हाफ हाफ
थाईलैंड अपन मुंडी तोड़ देगा तेरी ए साला ए अपन के सामने नहीं बोलने का ए साले So this is the boat which is taking us to the James Bond Island and Isha and I decided to sit here with no chairs. So here we go. Welcome to the James Bond Island. So guys, this is James Bond Island and finally we are here. Here's it. सारे हमारी जो ना बोट में वो बैठे हैं तमिल साले की खोपड़ी तोड़ देंगे आज साल खोपड़ी की उधम मचा रहे हैं सो गाइस यहाँ से हमने अनफाल और हसन के लिए यहाँ से कपड़े लिए हैं क्योंकि हम जब भी ये बच्चों वाले ड्रेसेस देखते हैं ना हमें घर अपने घर के बच्चे याद आ जाते हैं कैसे भी करके थैंक यू लेडी फॉर द डिस्काउंट वी रियली लाइक द आउटफिट वेरी नाइस क्वालिटी थैंक यू सो गाइस यहाँ से ईशा और मैंने ग्लासेस भी लिए हैं और काफी खूबसूरत चीजें ली हैं ये अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो अभी जेम्स बॉन्ड आइलैंड तो अभी जा रहे हैं ना उस बड़े पत्थर के साथ तस्वीर खिंचवाने प्लीज व्हाट यू आर सेइंग प्लीज बैक टू द बोट जस्ट मेकिंग वन वीडियो वी आर कमिंग हम उठ ही नहीं रहे यहाँ से जा ही नहीं रहे बार बार वीडियो चलो लास्ट वीडियो बनाते फिर चलते हैं सो गाइज ये था जेम्स बॉन्ड आइलैंड एंड देन वी आर गोइंग फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू अनदर आइलैंड और वी आर डन अनदर आइलैंड व्हाट आइलैंड नखा आइलैंड यू गिव एनी नेम टू एनी बीच इनको कुछ भी बिकवाना होता है तो कहती है वाओ यू आर ब्यूटीफुल ये इस तरह करती है तो वापस हम बैठे हैं कश्ती में चलो सो गाइस हियर वी आर एट नाक आइलैंड एंड दिस इज द लास्ट आइलैंड फ्रॉम टुडे नाखे आइलैंड नाखे आइलैंड नाखे आइलैंड नाखे आइलैंड या सॉरी नाखे आइलैंड नाखे आइलैंड वी आर एट नाखे आइलैंड एंड दिस इज द लास्ट आइलैंड फ्रॉम टुडे नाखे नाखे व्हाट नाखे सो अब बस हम नाखे बीच आ गए हैं और यहाँ पे सब लोग स्विमिंग करेंगे और अफसोस के साथ मैं और ईशा अपने साथ कपड़े नहीं लाए कि हम ये गंदे कर सके तो हम तो स्विमिंग नहीं करेंगे कश्ती में बैठे रहेंगे हम लोग एक और जंप आएगा अभी देवो का बच्चा क्या स्विमिंग है यार सबकी किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ किसी एक ने भी Thank you. Thank you. Kopokam.